प्रदेश की गहलोत सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल करते हुए अपनी सरकार को सुरक्षित कर लिया। पूरे घटनाक्रम के बाद शनिवार शाम गहलोत खेमे के बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और पायलट खेमे के गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी वापस अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। 34 दिनों की बाड़ेबंदी के बाद बाड़मेर पहुंचे विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि प्रदेश की सरकार पूरे 5 वर्ष तक शासनकाल में रहेगी और नए विकास कार्यों को गति देने के साथ आमजन की समस्याओं और कोरोना रोकथाम पर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगी। 35 दिन का जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करनी चाहिए, इसमें लोकतंत्र जीता और ये जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले, इनकी हार हुई और इन्होंने मुंह की खाई। जिस तरह से हर तरह से इन्होंने टॉर्चर करने का किया, चाहे ईडी को, इनकम टैक्स को, पुलिस को, कोर्ट को, जहां भी इन्होंने जितना परेशान किया उतने ही लोग मजबूत होकर उभरे। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान का आने वाले दिनों में राजस्थान का विकास होगी। जनता की जो समस्या है उसका समाधान करने में कटी है। अभी आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कोरोना कार्यकाल में सरकार गिरी, गिराई नहीं। चाहे आप कर्नाटक की बात करो, गोवा की बात करो, गुजरात के अंदर क्या हुआ, कितने MLA का इस्तीफा दिलाया। तो इस ढंग से मणिपुर की बात करो, ये BJP ही करा रही है, ये सारा जो करा रही है ये BJP ही करा रही है। BJP का जो अब की राजस्थान में इनकी जो मनसा थी वो पूरी नहीं हुई और उनको मुक्त खानी पड़ी। जो भी कलेक्टर से बात होती तो उसका भी समाधान कर देगी। जनता को हम कैसे राहत पहुँचाए और इस कोरोना महामारी को पर कैसे हम विजय पाए,